स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग यूनिट कन्वर्जन भी बोल सकते हैं कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में, बड़ा से किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, मीटर पर सेकेंड से बड़ा से छोटा में जाना है, और फिर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर छोटा से बड़ा में जाना है। ठीक है, तो इसका हम ट्रिक एक बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग 30 × 5/18 कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। बहुत शॉर्टकट मेथड है कि हम लोग इसको 5/18 से इंटू कर देंगे। चलिए इसको काटते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 10 = 30, 3 × 2 = 5, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, यानी 5 × 5 = 25, 25/3 per second। ये हमने क्या किया, 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। तो आपने देखा कि हमने 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 30 मीटर पर सेकेंड आपके पास मान लीजिए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 30 × 18/5। इसमें हमने क्या लिखा था, 5/18, 5/18, और यहाँ हमने क्या लिखा है, छोटा से बड़ा में करना है, तो 18/5, 18/5। चलिए इसको काटते हैं, 5 × 6 = 30, 18 × 6 कितना हो जाएगा, 106, 108 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम लोगों ने सीखा। अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो इसे स्टूडेंट लाइक ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।